सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी, सिर्फ तीन ही चीज़ों से, वो भी बिना मावा बिना चीनी, बहुत ही आसान तरीके से आप 10 मिनट में बहुत बहुत टेस्टी खस्तेदार तिल गुड़ गजक बर्फी बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, गजक तो बहुत खाई है, तिल गुड़ के लड्डू बहुत खाए हैं, लेकिन आपने तिल गुड़ बर्फी गजक कभी नहीं खाई होगी। इस स्पेशल रेसिपी में आपको गजक का भी टेस्ट आएगा और बर्फी का भी टेस्ट आएगा, और इतनी सिल्की इसमें ज़बरदस्त टेक्सचर की होती है कि मुँह में जाते ही भूल जाए। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। वेलकम टू माई चैनल सकीना किचन। आज हम शेयर करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी, गुड़ तिल गजक बर्फी बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। तिल गुड़ गजक बर्फी बनाने के लिए 100 ग्राम गुड़ लिया है, गुड़ को बारीक काट लिया है, 100 ग्राम तिल लिया है। तिल गुड़ गजक बर्फी बनाने के लिए तिल और गुड़ की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इंडक्शन ऑन कर लिया, पैन रखा गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है, तिल ऐड करते हैं। धीमी आंच पर 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए भून लेंगे। तिल को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो तिल में कड़वापन आ जाता है। तिल को 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए भून लिया है, तिल चटकने लगा है, अच्छे से भून गया है, फूल गया है। इंडक्शन बंद कर देते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, रख देते हैं। तिल को प्लेट में निकाल लिया है, 10 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तिल ठंडा हो चुका है, जार में ऐड करते हैं, दरदरा पीस लेते हैं। तिल को दरदरा पीस लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इंडक्शन ऑन कर लिया, पैन रखा गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है, एक चम्मच घी ऐड करते हैं। घी को मेल्ट कर लेते हैं, गुड़ ऐड करते हैं। धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं गुड़ को। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, 2 चम्मच पानी ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो चम्मच पानी डालकर गुड़ में अच्छे से मिक्स करके पका लिया है, तिल ऐड करते हैं। धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध पाउडर ऐड करते हैं 2 चम्मच। इससे तिल गुड़ गजक बर्फी का टेस्ट अच्छा हो जाता है और खस्ता बनता है। बराबर चलाते हुए घी छोड़ने तक पका लेते हैं। गजक की अच्छी खुशबू आने लगी है, घी छोड़ने लगा है। इंडक्शन बंद कर देते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने एक प्लेट में एल्युमिनियम फाइल लगा लिया है, घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तिल गुड़ गजक बर्फी को हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसे फैला लेते हैं। प्लेट में फैला लिया है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तिल गुड़ गजक बर्फी अच्छे से सेट हो गई है, इसे पीस में कट कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी गुड़ तिल गजक बर्फी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। तिल गुड़ गजक बर्फी बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है, सर्दियों में इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, इसका तासीर बहुत गर्म होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है।
दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।